अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एजाज खान और आप लोग देख रहे हैं टेली रिपोर्टर्स। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। यार मैं स्ट्रेटेजी बना के अंदर गया था, मैंने प्लानिंग किया था, मैंने पहले इन लोगों को देखा था, देखने के बाद मैंने इनकी वीकनेस देखी, इनके प्लस देखे, इनके माइनस देखे, किसको किस बात पे गुस्सा आता है, किसको कहाँ पे हंसा सकता हूँ। देखो, आप नेगेटिविटी से किसी का दिल नहीं जीत सकते, तो कहीं ना कहीं मैंने इनकी अच्छी साइड दिखाई सबको, इनका एंटरटेनमेंट निकलवाया, गौहर का, इसका, उसका, सबका, एंडी का, दांतों की वरमाला, एंडी आज यार ये मैं भी करता था, हमेशा हमेशा सब करते थे। जब तुम्हें पता चल जाता है कि अब तुम्हारी जरूरत है बिग बॉस को, तो तुम बार बार कहते मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे निकालो, मुझे जाने दो। ये मैं भी करता था। ये पता चलने के बाद होता है यार। अब सोच समझ के शीशान भी घर पे आया, अपनी इमेज को क्लियर करने आया, अपनी चीज़ों को क्लियर करने आया, वो भी सोच समझ के आया कि बिग बॉस का घर है, पैसा भी अच्छा खासा मिला होगा, सब कुछ है यार। शीशान मजे ले मेरे भाई, अब बस दो चार दिन बचे, लोनावला की ठंडी में सलमान भाई को देख, उनके मजे ले, उनसे कुछ सीख, उनके साथ खा पी, लोगों के साथ मजे ले, बाहर निकलेगा, बहुत फैंस हो गए तेरे, जितने तेरे क्रिकेट में नहीं बने उतने बिग बॉस में बन गए मेरी जान, खुश रहे, मजे ले। फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हजारों में तेरी बहना है, सारी उम्र तुम्हें संग रहना है। मतलब भाई, हम तो चाहते हैं तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, भाई बहन का, और तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। दीवारें क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। आपके घर की दीवार बनेगी ना, हिंदुस्तानी लोग वहां से रास्ता बना के वहां से गुजरने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अरे भाई, उसकी बीवी है क्या थी वो, जो भी था, 12 के, वो कह रही है कि मेरा कुछ नहीं था। तो मेरी माँ, तू अंदर क्यों इतना नाटक कर रही थी, हैं? अंदर तेरे को सब बोल रहे थे, तू इतना नाटक कर रही थी, इतना, और वो देखा सर, भजन गा के जो नाम कमाया था वो सब चला गया। ये होता है सर। यार देखो, एंटरटेनमेंट की भी कोई सीमा होती है, ख़त्म हो जाता है वो अंदर के घर में। सबको एजाज खान थोड़ी है मैडम, जितना सीख के आते सुन के आते उतना ख़त्म हो जाता है। या तो तुम नेचुरल हो कि 5,000-10,000 शायरियाँ तुम्हारे अंदर हो, 2-5 लाख डायलॉग अंदर हो खुद के, दूसरों का तो कोई भी बोल लेता है। वो पहले एंटरटेन कर रहा था, लेकिन वो ख़त्म हो गया उसका। अभी आते 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 क्या 3 महीना हो गया, रोज टीवी पे 24 आवर्स कैमरा, आदमी कन्फ्यूज, ये वो। पर उसने जितना भी एंटरटेन किया ठीक किया। श्रीशांत, मैंने कहा कितनी बार कहूं कि वो स्टूपिड सा फील कर रहा है अंदर, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। रोमिल, डॉक्टर साहब, वकील साहब अभी बोरिंग हो गए। करणवीर, स्मार्ट प्लेयर। दीपिका, वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, वेरी वेरी वेरी, मतलब खतरनाक वाली प्लेयर है। कोमोलिका, क्योंकि वो फेस, मतलब कुमोलिका का तो फेस दिखता है, दीपिका का दिखता नहीं है, जब ऐसा खाली मुकुटा हटेगा तो डेंजर है वो। आई कैन सी, मैं खोल सकता हूँ उसको, अगर इफ आई गो इनसाइड आई कैन ओपन दीपिका, यू नो, लाइक फॉर श्योर। दीपक, बुझ गया। ए श्रीशांत मेरे भाई, हिंदी पिक्चर के हीरो ना मैं बहुत बना हूँ भाई, तू जो बन रहा है ना, तूने तो कुछ भी नहीं किया बेटा। मैंने गौहर, कामिया और पृथ्वी, तू तो एक के लिए कर रहा है, मैंने घर की 3 लड़कियों के लिए किया बेटा, तूने कुछ भी नहीं किया भाई, तू तो खाली ये, मैंने तो मार पीट की है अंदर, लड़ाई की है इनके लिए, तू तो खाली चीख रहा है। लेकिन मुझे क्या मिला, बाबा जी का ढुल्लू, तेरे को भी वही मिलेगा। मेरे हिसाब से श्रीशांत, दीपिका और करणवीर, क्या होता है चैनल अपने फायदे भी देखता है साला, चैनल बड़ा कमीना है, चैनल साला अपने फायदे देखेगा, जिताने के टाइम पे बोलेगा दीपिका को एक शो दे देंगे, करणवीर को एक शो दे देंगे, इनको जिता दो, दीपक जीतेगा कोई फायदा नहीं है, रोमिल जीतेगा कोई फायदा नहीं है, एजाज जीतेगा कोई फायदा नहीं, गौहर को जिता दो, दो शो दे देंगे, ये दे देंगे, उसको जिता देते हैं, जिता दो जी। जीतेगा तो वही, जो तुम वोटिंग तो बाद में है, कुछ नहीं भाई, सलमान भाई को भी ये लोग ना खोल पाए ना दे पाए कुछ, सुपर फ्लॉप शो है, सुपर फ्लॉप शो।